चलो नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस, देखो अगर कोई ऑसिलेशंस है, कौन सा पाइप है, ऑसिलेशंस ऑफ एयर कॉलम इन ए क्लोज्ड पाइप है। क्लोज्ड पाइप ये होता है जो एक साइड क्लोज्ड हो, तो ये हमारा क्लोज्ड पाइप है। इसमें अलग अलग हार्मोनिक्स होते हैं, उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग मोड ऑफ वाइब्रेशन में अलग अलग नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, ये बात हमको पता है। इसका जनरल एक्सप्रेशन फ्रीक्वेंसी का अगर मैं लिखूं तो एन भी अपॉन फोर एल के इक्वल आता है। एन क्या होता है, एन इसमें ओड होता है, 1, 3, 5, 7, क्योंकि इसमें इवन हार्मोनिक मिसिंग होता है, इसमें ओनली ओड हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं। तो अब हमें निकालना है कि देखो पहले निकालना क्या है, द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ एयर कॉलम इन क्लोज आर्गन पाइप व्हिच फ्रीक्वेंसी लाई बिलो 1250 क्या है, एक खास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और इसमें जो भी ऑसिलेशंस होगा उसकी अपना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, और जो फ्रीक्वेंसी है कितने ऐसे फ्रीक्वेंसी हैं जो 1250 से कम है यार, बराबर है 1250 से कम है। तो 1250 सबसे पहले जनरल फ्रीक्वेंसी F1 फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी n की वैल्यू 1 चली गई, वी अपॉन 4L, तो v की वैल्यू कितनी लेनी है 340 एंड डिवाइड कर दो 4 से और लेंथ कितना आ गया, लेंथ आ गया 85.85, तो 0.85 और इसको देखो काटो इसको, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा वो एक्चुअली 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 100 हर्ट्स, इसको काट लो, तो ये 100 हर्ट्स जो है वो हमारी पहली फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, बराबर है। तो अगर 100 हर्ट्स हमारी पहली फ्रीक्वेंसी आ गई तो जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है बेसिकली वो ओड में चल रही है, इवन में नहीं चलेगी यार, तो ओड में चलेगी। तो इसको मैं कैलकुलेशन करूं तो देखो F1 जैसे F2 दूसरी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी, वो चौथी तीसरी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी, फाइव कितनी आई 100 आई, क्योंकि इसमें इवन तो इसमें इवन फ्रीक्वेंसी, तो फर्स्ट फोर्थ आ जाएगी 700, उसी तरह से फिफ्थ आ जाएगी 900 और सिक्स आ जाएगी 1100 एंड सेवन आ जाएगी 1250 से ऊपर आ गया।